कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बताई कांग्रेस की हारने की वजह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस गुजरात में अयोध्या की तरह बीजेपी को हराएगा। साथ ही उन्होंने वाराणसी में कांग्रेस के हारने की भी वजह बताई। राहुल गांधी ने कहा, अब हम इनको यानी मोदी सरकार को सबक सिखाएंगे और इनकी सरकार को तोड़ेंगे। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वे अयोध्या से लड़ना चाहते थे। बीजेपी ने इसे लेकर सर्वे कराया तो सामने आया कि अयोध्या से पीएम मोदी हार जाएंगे। राहुल ने कहा, वाराणसी में हम लोगों ने 2 से 3 गलतियां कर दी, इसलिए हम हार गए। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इन्हें हराया है, इसी तरह हम गुजरात में इन्हें हराएंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, पीएम मोदी की शुरुआत आडवाणी की रथ यात्रा से हुई। उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। राम मंदिर के उद्घाटन पर अडानी अंबानी दिखे, लेकिन गरीब लोग नहीं दिखे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने राम भगवान का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। इस दौरान राहुल ने दावा किया कि अयोध्या के लोग बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों की जमीन ली गई, दुकान मकान तोड़े गए, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या के एयरपोर्ट के लिए किसानों की जमीन ली गई, लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। अयोध्या के लोगों को गुस्सा आया कि मंदिर उद्घाटन में अयोध्या का कोई व्यक्ति नहीं था। इंडिया गठबंधन ने पूरे अयोध्या आंदोलन को अयोध्या में हरा दिया। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है, मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं, कोई नहीं चाहता। मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी।